नमस्कार, स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज में। देखते हैं खास खबर। आज दिनांक 15 अगस्त 2023 पार्टी कार्यालय शहीद नगर में 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय नेता कॉमरेड महेश राठी ने झंडा फहराया। झंडा फहराकर सभी ने राष्ट्रगान गाया। केंद्र से आए हुए हमारे मेहमान खुसूसी जनाब महेश राठी जी तशरीफ फरमा है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप झंडे को फहराए अपने हाथों से और हम सभी लोग खड़े होकर इस झंडे को सलामी दें और राष्ट्रीय गान होने के बाद फिर बैठें और अपने प्रोग्राम को शुरुआत करें। गर मना बिना भारत भाग विधाता सिंध गुजरात मराठा हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तेंदु शर्मा जो सदन राज्य वालों में आज हम आजादी का 77वां जो है वर्ष मना रहे हैं। 76 कंप्लीट हो गए, 77वें पहुंच रहे हैं। और आज इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सदाकतुल्ला साहब जो हैं आज की मीटिंग की सदारत करें। आप सब सहमत हैं? प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए जैसा कि आप सभी को मालूम है, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी का महत्व वही समझ सकता है जो गुलाम हो। हमने गुलामी देखी नहीं तो इसलिए हमारे दिलों में आज़ादी का महत्व कम है। मगर फिर भी हर साल हम जोश और खरोश के साथ जो है आज़ादी को मनाते हैं। जिस तरह से हमारे बलिदानियों ने कुर्बानियाँ दी वो एक हम सबके लिए प्रेरणा की बात है और बहुत बड़ी बात है। शहीद आजम भगत सिंह अनमैरिड थे, शादी भी नहीं की, उम्र थी, सब कुछ था। घर वालों ने कहा कि भाई जो है आप शादी करें, कहा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है हमारी आवाज़ को पहचाने का कोई माध्यम नहीं था। उन्होंने जो है फांसी का फंदा चूमना इसलिए बेहतर समझा कि इस कुर्बानी से नौजवानों के अंदर जो है खून खोल उठेगा और आज़ादी का मकसद हासिल हो जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुर्बानी जो है एक ही समुदाय ने नहीं दी, पूरे समुदाय ने, पूरे देश ने जो है इकट्ठा होकर कुर्बानियाँ दी, तब देश की आज़ादी हम लोगों को मिली। आज़ादी में जो है आप सभी जानते हैं अशफाकुल्ला खां, मौलाना अबुल आज़ाद और चंद्रशेखर बिस्मिल लाहिड़ी आदि जो है सभी वीरों ने जो है कुर्बानी दी, तब जाके जो है हम जो है आज़ादी मिली। इस मीटिंग की शुरुआत करते हुए मैं गुजारिश करूँगा कॉमरेड मलिक साहब हैं जो आए हैं वो आगे अपनी बातों को रखें। सभी को अस्सलाम वालेकुम और लाल सलाम। आज हम सभी यहाँ क्रांतिकारी इकट्ठा हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में। जैसे कि हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम बड़ी धूमधाम से इस जश्न को मनाते हैं और इंशाल्लाह मनाते रहेंगे। और ये जश्न जो है हमें हर साल जो हमारे बुजुर्गों
जान की माल की। वो कुर्बानी कोई छोटी मोटी कुर्बानी नहीं थी। उन लोगों ने आज हमें आज़ाद देखने के लिए, जिन लोगों ने आज़ादी का सपना देखा था वो लोग शायद आज़ादी देख नहीं पाए, लेकिन हम लोग उस आज़ादी को बखूबी देख पा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के इस दौर में, इस आज़ाद भारत में, हम उनकी कुर्बानियों को पहचान नहीं पा रहे। हम ये नहीं पहचान पा रहे जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी वो कुर्बानियाँ किस मुकाम पर थी, क्योंकि आज हम एक आज़ाद भारत को देख रहे हैं और शायद इसीलिए हम खुल के एक ज़िंदगी को जी पा रहे हैं। आज हमारे पास वो हर सुविधा है, वो हर फैसिलिटी है जो उनके पास नहीं थी, जिसके कारण वो लोग उस मुकाम पर नहीं लड़ पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने इतनी मुसीबत झेलने के बाद, जेल जाने के बाद, लाठियां खाने के बाद, उन्होंने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, अपनी महिलाओं को उन्होंने तड़पते हुए देखा, लेकिन वो आज़ादी के लिए लगातार लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और हमें आज़ादी दिलाई। और आज हम उस आज़ादी का 15 अगस्त 2023 भारत का 77वां दिन मना रहे हैं। ये हमारे लिए 77 ईयर्स है आज़ादी का और हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और आप और हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं इस तिरंगा के नीचे, जैसे कि हमारे जो कम्युनिस्ट रहे हैं, आज हम हमारे जो बड़े हैं, हमारे ताऊ इनाम मरूम इनाम, हमारे वालिद साहब मिस्टर सगीर, हमारे चाचा थे मिस्टर अंसारी साहब, अनवर साहब और हमारे लड्डन साहब, सभी हम उनको सबको देखकर ही यहाँ प्रेरित हुए हैं और हम उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, ताकि अगर कोई भी हमारे मोहल्ले में, हमारे समाज में, हमारे देश में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कानून के दायरे में रहकर उसका सामना करें और एकजुट होकर एक ताकत बनकर उसका सामना करें। जैसा कि आजकल जो ताकतें हैं वो अपनी ताकत का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और मजलूमों को, गरीबों को दबा रहे हैं, और आजकल वो लोग सत्ता में आने के बाद हर तरीके से हर आम नागरिक को अपने दबाव में रखना चाहते हैं। वो सभी अन्य समाजों को छोटा मानते हुए अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं, जिसको हम कभी होने नहीं देंगे और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हम हमेशा उसका विरोध करेंगे। बब्बन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि मैं आया हूँ अपनी बात महेश राठी जी, भूपेंद्र शर्मा जी और हमारे यामीन मुसाफिर जी, सदन राय जी और बैठे हुए तमाम कामरेड्स जो मेरे सामने हैं, दोस्तों और साथियों, इस आज़ादी के दिन को हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मना रहे हैं और इसको मनाते रहेंगे, क्योंकि ये गुलामी के बाद मिली हुई आज़ादी है। आज़ादी का अपना एक मकाम होता है, गुलामी एक दलालत की ज़िंदगी होती है, घुटन की ज़िंदगी होती है, नाइंसाफी की ज़िंदगी होती है, जिसके बाद हमको आज़ादी मिलती है। ये आज़ादी बहुत कुर्बानियों के बाद हमको मिली। आज मेरे वीर, मेरे बड़े भाई कामरेड अब्दुल हलीम लड्डन भाई नहीं है, वो कहा करते थे अपनी तकरीर में कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी पेश की, जिन लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, जिन लोगों ने अपनी जवानी इस पर कुर्बान की, शादी होने के बाद और फौरन उन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अपना खून बहा दिया, इस आज़ादी को हासिल करने के लिए मेरे बड़े भाई कहा करते थे कि जो उनका ख्वाब था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा, अंग्रेज यहाँ से जाएंगे और यहाँ एक नई सुबह होगी, ये आज़ादी हमको हासिल होगी, मेरे नौजवानों ने, मेरे शहीदों ने,
मेरे उलमाओं ने सबने ये सोच के ये आजादी हासिल की थी कि ये हिंदुस्तान का एक नक्शा अजीबो गरीब होगा। मेरे भाई कहा करते थे कि ये हिंदुस्तान जब आजाद होगा तो उनका तसव्वुर था कि यहाँ ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा ना सिख होगा ना ईसाई होगा, ये एक गुलदस्ता होगा जिस गुलदस्ते में कितनी तरह के फूल हुआ करते हैं और जब तक उस गुलदस्ते में कई तरह के फूल ना लगाए जाए, सिर्फ एक गेंदा ही लगा दिया जाए, सिर्फ एक गुलाब ही लगा दिया जाए तो उस गुलदस्ते का एक चमेली ही लगा दीजिए मगर उस गुलदस्ते में मजा नहीं आएगा जिस गुलदस्ते में तमाम फूल मिला के और वो एक गुलदस्ता बड़ा बनाया जाए और फिर किसी के सामने पेश किया जाए तो उस गुलदस्ते की बात ही और होती है। मेरे शहीदों ने सोचा था 15 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन है और इसके बारे में तो यही है कि जो सपना देखा था गांधी ने, जो सपना देखा था भगत सिंह ने, आज के मौजूदा दौर में वो खतरे में है और देश की एकता, अखंडता, विविधता उसके ऊपर खतरा है तमाम तरह का। और देश के जो सबसे जिम्मेदार आदमी, आज भी आपने सुना होगा प्रधानमंत्री का भाषण, प्रधानमंत्री के भाषण से जो RSS BJP की जो विचारधारा है वो जाहिर होती है। एक तरफ वो कहते हैं देश के सब नागरिकों को कि मेरे परिवारजन हैं, एक तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम लड़ाई करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ाई करेंगे परिवारवाद के खिलाफ और अपीजमेंट यानी कि तुष्टीकरण के खिलाफ। तो तुष्टीकरण किसका, जब एक परिवार है तो तुष्टीकरण कौन किसका कर रहा है? ये सीधी सी बात है, ये दोगलापन जो RSS भाजपा की राजनीति का है वो आज साफ दिखाई दिया। और जबकि उनको देश के सवालों को, मणिपुर की हिंसा को, उन औरतों को जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया उसके बारे में कहना था, उस पर क्या कार्रवाई होगी और अब तक क्यों नहीं हुई, उनको कहना था कि नूह में जो हिंसा हुई उसका कौन जिम्मेदार है और उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर वो तुष्टीकरण की बात करते हैं और वो तमाम तरह की जो भेदभाव की राजनीति है बांट करके लोगों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की, उसकी बू उनके भाषण से आई। और देश की जनता के लिए संदेश सिर्फ यही था कि वो अगला चुनाव मुझको जिताएं और मैं अगली बार फिर अगस्त में यहाँ पर आऊँ, ये आज प्रधानमंत्री का भाषण था। तो मैं समझता हूँ कि इस देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और क्या संकट है वो उनके भाषण से साफ जाहिर हो गया। आने वाले दिन और खतरे के दिन हैं, इससे हमें मिलकर इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए मिलकर लड़ना होगा। आज 77वें आज़ादी के वर्ष पर मेरी सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद और चैलेंज न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम को कवरेज में लिया उन्होंने, मैं दिल से उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील करता हूं कि हम ऐसे माहौल से गुजर रहे हैं जो बहुत ही दर्दनाक और संगीन माहौल है, इसमें सभी को संयम बरतने की ज़रूरत है, एकजुटता दिखाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को गले लगाने की ज़रूरत है। वक्त बहुत नाजुक है, कल हम बहुत पछताएंगे अगर हमने सब्र से काम नहीं लिया। मेरा पूरे क्षेत्रवासियों से अपील है कि रेत ही पानी निकाल कर तुम्हें देगी, यहाँ तुम्हारी प्यास बुझाने कोई ना आएगा। और कदम न रोको दरख्तों की लोरिया सुनकर, जो सो गए तो जगाने कोई ना आएगा। और सदा अजान की सुनकर नमाज पढ़, वरना तेरी नमाज पढ़ाने कोई ना आएगा। मेरे क्षेत्रवासियों, मेरे आसपास के मोहल्ले वालों, गली वालों, मेरी सभी से, हर धर्म हर संप्रदाय के लोगों से अपील है कि इस दौर को संभाल लो, इस वक्त को संभाल लो, वरना आज़ादी बेमानी होगी, उनकी कुर्बानियां जाया चली जाएंगी हमने अगर आपसी सांप्रदायिक सौहार्द को कायम नहीं किया। मेरी अपील है, आप सबको हाथ जोड़कर अपील है कि आप जो है सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखिए, गंगा जमुनी तहजीब को जो है मजबूत कीजिए, आपसे भाईचारे को मजबूत कीजिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम हसनैन है और मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं और आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस लाल झंडे के साथ अपने तिरंगे को भी फहरा रहे हैं और इस तिरंगे को फहराने का मतलब ही हमारा ये है कि आपसा भाईचारे को हमें बना के रखना है, ठीक है। आज अपने इस भाईचारे को बना के रखना है, नफरत की राजनीति फैलाती है, ठीक है। एक भाई दूसरे भाई को देख के चिढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि
एक भाई को दूसरे भाई को देख के बोलना चाहिए कि अगर तुझे मेरी ज़रूरत है तो मैं कंधे से कंधा मिलाने के लिए तेरे साथ खड़ा हूँ। आज हम लोग घबरा रहे हैं, रोड पर जाने में हमें डर लगता है, ऐसा डर हमें नहीं लगना चाहिए। इस राजनीति में ऐसा हो गया है कि भाई भाई का दुश्मन हो चुका है, महंगाई आसमान पर छू रही है, सभी धर्म सभी जाति के लोगों को एक ही समान सब मिल रहा है। चाहे पेट्रोल को देख लीजिए, चाहे गैस को देख लीजिए, चाहे आटे को देख लीजिए, सभी जात बिरादर को एक ही समान सब समान मिल रहा है। और हम लोग जातिवाद में बढ़ चुके हैं, बिरादरवाद में बढ़ चुके हैं, हिंदू और मुसलमान के झगड़े में बढ़ चुके हैं, जबकि आपको और हमें चाहिए कि हम इस हिंदू और मुसलमान के झगड़े से दूर हों, आपसी भाईचारा बना के रखें। क्योंकि आपका भी खून लाल है और मेरा भी खून लाल है, और लाल का खून जब लाल बहता है तो हर माँ को एक तकलीफ होती है। जिस माँ ने अपना लाल खोया, आप उससे जाके पूछिए कि उस माँ के दिल पर क्या दर्द बीतता है। पुलिस वाले जब किसी को लाठी मारते हैं तो उस माँ से जाके पूछिए कि उस लाठी की आवाज़ उस माँ के ऊपर जाके पड़ती है और उसकी माँ की चीखें निकल आती हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ एक काम कीजिए कि आपसी भाईचारे को रखिए, अपना एक जग बना के रखिए, इकट्ठा हो जाइए। जब लाठी बहुत होती है तो लाठी कोई नहीं तोड़ पाता, और जब लाठी सिंगल सिंगल होती है तो आदमी तोड़ता रहता है, जलाता रहता है, तोड़ता रहता है, जलाता रहता है। इसलिए आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एकजुट हो जाइए, आपको कोई हिलाने वाला नहीं होगा, आपको कोई बांटने वाला नहीं होगा। आज हिंदू के नाम पे वोट मांगा जाता है, मुसलमान के नाम पे वोट मांगा जाता है, सिख के नाम पे वोट मांगा जाता है, SC ST के नाम पे वोट मांगा जाता है। अरे वोट मांगो तो विकास के नाम पे वोट मांगो, विकास के मुद्दे पे वोट मांगो, हिंदू और मुसलमान के मत मांगो। सभी से एक अपील और एक गुजारिश है कि सारा संगठन एक होकर और एक तरफ अपने विकास के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को वोट बना के वोट दीजिए, जो हमारा विकास कर सके, जो इस महंगाई को हटा सके। आज मजदूर आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान है कि अगर वो 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के आता है तो उसको पता चलता है कि 200 रुपए का मुझे ये लाना है, 100 रुपए का मुझे ये लाना, उसका तो 500 का नोट खत्म हो जाता है। वो अपनी बच्चे की शिक्षा कहाँ से लगाएगा, अपने बच्चे का विकास कहाँ से करेगा? अगर आज उसको महंगाई से जूझना पड़ रहा है तो उसके बच्चे की पढ़ाई मारी जा रही है, आज एजुकेशन मारी जा रही है। इसलिए क्यों? क्योंकि सिर्फ महंगाई है, सिर्फ महंगाई ने इस दुनिया को बचा रखा है, इस दुनिया से लड़ रही है महंगाई, और हर मजदूर आदमी लड़ रहा है। वो बेचारा अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, वो बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आने वाले अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग एक अच्छी सरकार बनाइए, एक अच्छा संगठन बनाइए, मजबूत होइए। इसी बात को मैं कहता रहूँगा, फिर मिलेंगे, खुदा का दर्द है जो बाजू सा कतर रंगून चले गए और उसमें जो वहाँ लिखते थे शायर टाइप के कई, तो उन्होंने अपना दर्द बयान किया रंगून की जेलों में से जो है, तो ये मतलब फिल्म में दर्शाया गया। और कमरे बल्लार सारी जो है इसको अदा कर रहे हैं इस गाने को, तो इसको सुनिए। तेरे दामन से जो तू ही मेरी आबरू, तू ही
तेरी जमीन दूर पहुँचे हैं हम, फिर भी है यही तमन्ना तेरे जाने की कसम, जिस जगह पैदा हुए उस जगह ही निकलूंगा।